जब से दिल्ली में हिंसा भड़की है तब से ही भाजपा के नेता कपिल मिश्रा पर आरोप मढ़ने वाले गैंग के लीडर और 10 जनपद के पुराने चाटुकार हर्ष मंदर ने इस मामले को बढ़ चढ़कर उठाया है। पहले तो उन्होंने कपिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन अब वो हेट स्पीच के मामले में खुद ही फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने हर्ष मंदर को खूब लताड़ लगाई। दरअसल हर्ष मंदर का विवादित वीडियो सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और उल्टे कोर्ट ने उनसे सफाई मांगी है। आपको बता दें कि हर्ष मंदर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों पर सवाल उठाते लोगों को सड़क पर फैसला करने के लिए उकसा रहे हैं। यह वीडियो 16 दिसंबर के जामिया मिल्लिया के गेट नंबर 7 के सामने का है। इस वीडियो में हर्ष मंदर कह रहे हैं कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है पिछले कुछ वक्त से NRC के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में इंसानियत, समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। उन्होंने आगे भड़काऊ तरीके से कहा कि हम कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला न संसद में न सुप्रीम कोर्ट में होगा, इसका फैसला अब सड़कों पर होगा। कपिल मिश्रा और अन्य BJP नेताओं पर कार्रवाई वाले याचिका की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हिंसा पर सुनवाई के दौरान हर्ष मंदर के वायरल वीडियो की जानकारी अदालत को दी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत में भाषण की ट्रांसक्रिप्ट पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा था कि अगर हर्ष मंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह सोचते हैं तो अब यह निर्णय लेना आवश्यक है कि उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाले हर्ष मंदर खुद CJI के सामने थे। दिल्ली दंगों में नेताओं की भूमिका को लेकर हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन अदालत में वे खुद ही फंस चुके हैं। कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर पहुंचे हर्ष मंदर को उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता हर्ष मंदर के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर है, जब तक इन आरोपों पर सफाई नहीं आ जाती है हम मंदर की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। दिल्ली हिंसा पर सुनवाई के दौरान जब हर्ष मंदर की वकील करुणा नंदी ने यह कहा कि हर्ष मंदर को अपने भाषण को जांच करने के लिए समय चाहिए, तब इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि वो अपने ही भाषण की जांच के लिए समय मांग रहे हैं लेकिन दूसरों के खिलाफ तुरंत FIR करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि हर्ष मंदर एक पूर्व IAS अधिकारी हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान वे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी कि NSC के सदस्य भी रह चुके हैं। ये वही NSC है जिसकी अध्यक्ष गांधी थी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान इसे सुपर कैबिनेट कहा जाता था। इसी से स्पष्ट होता है कि हर्ष मंदर के क्या इरादे होंगे। यही नहीं, हर्ष मंदर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं। यह फाउंडेशन जॉर्ज सोरस द्वारा संचालित किया जाता है, जिससे भारत की मोदी सरकार जैसी राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ कदम उठाने के लिए $1 बिलियन लगाने का ऐलान किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर्ष मंदर जैसे लोग भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, जिसके लिए वे लोगों को भड़काते हैं और ऊपर से दूसरे नेताओं को फंसाने के लिए अपने लिबरल गैंग का उपयोग करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इन्हें लताड़ लगाई है उससे हर्ष मंदर जैसे लोगों की जवाबदेही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।